नमस्कार दोस्तों, खेल समाचार से मैं आपका अपना राजेश अग्रवाल। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया की कोई टीम नहीं कर पाई ऐसा, जानिए कैसे हुआ। वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ धमाकेदार अंदाज में 65 रनों से मैच जीत लिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के मैच में पांड्या की अगुवाई में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 65 रनों से शानदार अंदाज में शिकस्त भी दी। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कमाल का खेल दिखाया। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव एक 360 डिग्री के प्लेयर हैं और काफी मैचों में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया है, और इस बार भी सूर्य कुमार यादव ने शतकीय पारी खेलते हुए सभी का दिल जीत लिया। मैच जीतने के साथ ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आइए जानते हैं उसके बारे में। टीम इंडिया ने बनाया ये रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में उतरते ही टीम इंडिया एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली टीम बन गई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने साल 2022 में 62 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जिन्होंने 2009 में 61 मुकाबले खेले थे। इससे पहले कोई टीम एक साल में 60 मुकाबले नहीं खेल पाई है। टीम इंडिया ने खेले सबसे ज्यादा मैच। भारत ने साल 2022 में सबसे ज्यादा 62 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 39 T20 मैच, 18 वनडे और 5 टेस्ट मैच शामिल है। भारत ने इस साल बाइलेटरल सीरीज में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2022 को छोड़कर द्विपक्षीय सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता मैच। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 192 रनों का टारगेट दिया, जिसे कीवी हासिल नहीं कर पाई और मुकाबला 65 रनों से हार गई। भारतीय टीम की तरफ से स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने तूफानी सेंचुरी लगाई। उन्होंने मैदान के हर तरफ स्ट्रोक भी लगाए। उन्होंने सिर्फ 51 गेंदों में 111 रनों की पारी खेली। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं क्रिकेट से नई जुड़ी अपडेट के साथ।